भरत चक्रवर्ती और पुत्री का नाम ब्राह्मी। घबरा जाते हैं क्या? ये याद नहीं होगा तो पाठ वाला पढ़ने का लाभ नहीं मिलेगा। क्या सबसे पहले क्या नाम? भरत आदि 100 पुत्र और पुत्री ब्राह्मी। और दूसरी पत्नी का क्या नाम था? सुनंदा। सुनंदा से कितने पुत्र? एक। नाम क्या था? बाहुबली। और पुत्री? सुंदरी। पुत्री भी एक, माने एक पुत्र और एक पुत्री। तो देखो आप क्या कह रहे हैं आगे उस बालिका ने क्या कहा। तो क्या भरत चक्रवर्ती और बाहुबली आदिनाथ भगवान के ही पुत्र थे? क्या लगता है आपको? भगवान तो वे बाद में बने, उस समय तो उनका नाम राजा ऋषभदेव था। प्रथम तीर्थंकर भगवान होने से उन्हें आदिनाथ भी कहने लगे। बोलो फर्क समझ में आ रहा है? ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ भी है। हमने तीर्थंकर भगवान वाले पाठ में पढ़ाया था, एक से अधिक नाम वाले कितने तीर्थंकर थे? तीन। कौन कौन से? पहले आदिनाथ ऋषभदेव, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ, ऋषभदेव का दूसरा नाम आदिनाथ, और फिर नौवें तीर्थंकर पुष्पदंत, उनका दूसरा नाम सुविधिनाथ, और चौबीसवें तीर्थंकर, इनका दूसरा नाम, चार और नाम थे इनके तो, वीर अतिवीर सन्मति वर्धमान और महावीर, ऐसे पांच नाम और, मतलब इनके कुल पांच नाम थे। हमने ऐसे तीन तीन वाली कई बातें बताई थी आपको, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तीन पद के धारी है और नहीं 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 तीन तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग, एक से अधिक नाम वाले तीन तीर्थंकर, तीन पद के धारी और तीन तीर्थंकरों के नाम बोलने में अशुद्धि। ध्यान है ना? पद्म प्रभ, चंद्र प्रभ और अरनाथ। क्या अरनाथ बोलते हैं लोग, जगह जगह अरनाथ चलता है, तो अरनाथ उनका नाम था। चलिए और बढ़े अपन यहाँ आगे थोड़ा सा। आदिनाथ को नहीं, ऋषभदेव को आदिनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पहले तीर्थंकर थे। आदि मतलब होता है स्टार्टिंग, आदि शब्द का मतलब स्टार्ट, जहां से स्टार्ट हो वो है आदि। तो आदिनाथ माने पहले भगवान, सबसे पहले यदि कोई भगवान हुए वे आदिनाथ थे। एक बात और ध्यान से समझ लेना, सबसे पहले भगवान तो आदिनाथ स्वामी हुए, लेकिन आदिनाथ भगवान के भी पहले मोक्ष और दूसरे चले गए। देखिए आप ऐसा समझेंगे कि साहब भगवान बन गए और मोक्ष पहले दूसरे गए, क्या मतलब है? समझ में नहीं आया। भगवान जो मोक्ष जाते हैं वही तो भगवान होते हैं ना। भगवान कौन होते हैं? जो जीव मोक्ष जाते हैं वही भगवान होते हैं। तो आदिनाथ या ऋषभदेव यदि सबसे पहले भगवान बने तो मोक्ष सबसे पहले भी यही गए होंगे कि नहीं? मोक्ष सबसे पहले गए हैं अनंत वीर। सबसे पहले मोक्ष कौन गए? नाम याद रहेगा, अनंत वीर सबसे पहले मोक्ष गए। मोक्ष कहते हैं सिद्ध अवस्था को, जो सिद्ध बन जाते हैं ना पांच परमेष्टियों में से, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनमें जो सिद्ध बन गए वो है लास्ट पोजीशन। एक बार जो जीव सिद्ध बन गए इसका मतलब वो मोक्ष हो गया उनको। और सिद्ध होने के पहले जब अरहंत भगवान है, अरहंत भी भगवान तो होते हैं, जब अरहंत अवस्था है उस समय वो अवस्था मोक्ष अवस्था नहीं है। अरहंत से जब सिद्ध बन जाएंगे तो मोक्ष कहलाएंगे, भगवान तो अरहंत भी होते हैं। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? अब देखिए आप बड़ी गजब की बात, जो ऋषभदेव स्वामी थे वे ऋषभदेव स्वामी उन्होंने दीक्षा ली। अभी अभी करेंगे अपन आगे चर्चा, पहले यहीं दीक्षा से ही बात कर लो। उन्होंने दीक्षा क्यों ली ऋषभदेव ने, क्या कारण बना?
उनके दीक्षा का क्या कारण था? देखिए, ऋषभ देव की आयु थी 84 लाख पूर्व। कितना है? 84 लाख पूर्व। 84 मतलब बेटा 84, 84 मतलब 84। तो 84 लाख पूर्व इतनी उम्र थी आदिनाथ स्वामी की, बराबर। ये पूर्व क्या होता है? पूर्व क्या चीज होती है? पूर्व सुना है कभी आपने? यहां सुना है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। ये पूर्व क्या चीज है? पूर्व है एक नाप है, यूनिट है, काल की एक नाप है, ठीक है, समय की। जैसे अपन बोलते हैं ना महीने, महीने क्या होते हैं भाई? 30 दिन जब पूरे होंगे तो एक महीना कहलाता है, एक माह, वन मंथ। और ईयर जब हम बोलते हैं तो ईयर मतलब क्या होता है? ईयर मतलब 365 डेज भी कह सकते हैं, 12 मंथ भी कह सकते हैं। तो जब हम ईयर बोल रहे हैं तो ईयर मतलब एक काल का नाप, एक टाइम पीरियड। इतना टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो हमने कहा एक साल हो गया, एक वर्ष हो गया, वन ईयर बीत गया। इसी तरह से जब एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, चार वर्ष ऐसे बढ़ते बढ़ते 100 वर्ष पूरे होते हैं तो हम कहते हैं शताब्दी। 100 वर्ष की होती है एक शताब्दी। 1000 वर्ष जब होते हैं पूरे तो कहते हैं सहस्त्राब्दी। इसी तरह से बढ़ते 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 और वर्ष वर्ष बीतते चले गए तो जब 70,56,000 वर्ष पूरे होते हैं तो होता है एक पूर्व। 7070560000। कठिन है याद करना, कोई बात नहीं, अभी समझाऊंगा, सब बात समझ में आएगी। अभी क्या याद करना है नीरज जी? 70,56,000, 70,56,000 करोड़। इतना ही नहीं, 70,56,000 वर्ष नहीं, 70,56,000 करोड़। इतने वर्ष जब बीत जाए तो वो होता है एक पूर्व। 70,56,000 करोड़ वर्ष बीत जाए तो एक पूर्व होता है। फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष बीते तो दूसरा पूर्व होता है। फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष बीते तो तीसरा पूर्व होगा। फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष बीते तो चौथा पूर्व होगा। फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष बीते, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष बीते, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष बीते, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष बीते। ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने पूर्व की आयु थी? 84 लाख। कुछ ख्याल में आ रही है मनोज जी? क्या कह रहे हैं बोलो आप? साध्य समझ में आ रही है बात? यश, याद रखना, लिखना कॉपी में, याद रहनी चाहिए हमेशा। जो बातें बताता जा रहा हूं वो बातें दोबारा रिपीट ना हो क्या, तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और ये बातें आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी तो जब हम 2-4-6 भाग जब पढ़ लेंगे तब तक आप समझ पाएंगे कि जैन धर्म क्या है। ये प्रारंभिक जैन धर्म की बात कर रहे हैं ना हम, तो हमें पता होना चाहिए ऋषभ देव स्वामी कौन थे, उनकी हाइट कितनी थी, उनकी उम्र कितनी थी, उन्होंने दीक्षा कब ली थी, उन्होंने राज्य कितने समय तक किया था। ये छोटी छोटी बातें हमारे को आदिनाथ भगवान के संदर्भ में, ऋषभ देव के संदर्भ में पता होनी चाहिए। क्या कहा हमने, कितनी एज थी, उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व की आयु थी। देखो भाई, जब पूजाएं पढ़ोगे आप, आदिनाथ भगवान की पूजा करोगे तो इस तरह की बातें आएगी जगह जगह शास्त्रों में, तो पता होना चाहिए। फिर किसी ने पूछ लिया पूर्व मतलब क्या होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, इतनी उम्र। कभी कभी जब हम ऐसी बातें करते हैं लोगों के बीच में तो बहुत से लोग कहने लगते हैं, अरे इतनी लंबी भी, इतनी भी मत फेंको, इतनी लंबी कोई उम्र हो सकती है? 70,56,000
इतनी एज होगी, इतने वर्ष, इतनी बार, इतनी लंबी आयु थी ऋषभदेव स्वामी की, भरोसा नहीं होता था हमारे को, विश्वास नहीं होता था, कैसे हो सकता है। और हाइट पता है कितनी थी उनकी? 500 धनुष, 500 धनुष। हाँ, राजा थे तब भी और भगवान बने तब भी, मोक्ष गए तब भी। हाइट एक बार जितनी हो जाती है ना, यंग होते हैं तब, फिर उतनी ही रहती है। अब हमारी हाइट ही नहीं बढ़ रही बहुत सालों से, है ना। जब बच्चे होते हैं ना तब तो हाइट बढ़ती रहती है, और फिर उसके बाद में एक समय ऐसा आता है जब हाइट बढ़ना बंद हो जाता है। तो ऋषभ देव की हाइट कितनी थी? 500 धनुष। 500 धनुष का मतलब क्या होता है? 500 धनुष मतलब क्या होता है अभी? है 4 हाथ, 4 हाथ का 1 धनुष होता है। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, कुछ कुछ उल्टा सीधा मत सुनो अभी, कुछ भी सीधी सी बात सुनो। 500 धनुष का मतलब एक रफली आइडिया अपने दिमाग में लगाने के लिए याद रखें, 3/4 किलोमीटर, 1/4 किलोमीटर। क्या कहा? 1/4 किलोमीटर होते हैं 500 धनुष का मतलब। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। क्या कहा? 750। हाँ, 750 मीटर से ज़्यादा ही बैठेगा करीब, 750 से 800 मीटर के आसपास बैठता है वो, उसका कैलकुलेशन करते हैं तो। माने 1/4 किलोमीटर की हाइट की कितना होगा? 10 मीटर के आसपास होगा, और क्या है? 20 मीटर के आसपास इस हॉल की हाइट अपने होगा। 20 मीटर नहीं, 20 मीटर तो नहीं होगा, 15 मीटर, 45 फीट के आसपास होगा। इस हॉल की हाइट अपने 45 फीट के आसपास है। अब आप समझ लो कितना मीटर हुआ है, ये मीटर कितना हुआ? 15 मीटर। और कितने मीटर की हाइट थी उनकी? 750। इतने मीटर की हाइट, माने 1/4 किलोमीटर की हाइट ऋषभदेव की। तो ऐसा लगता है अपने को, ये क्या यार कैसी बातें कर रहे हो, इतनी एज बता रहे हो, इतनी हाइट बता रहे हो, कैसी काल्पनिक बातें कर रहे हो आप, ऐसा भी कोई हो सकता है क्या? इतना तो इम्पॉसिबल दिखता है। 11 नंबर, इम्पॉसिबल, असंभव लगती है ना अपने को ये बात। असंभव नहीं है भाई, असंभव नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत पुरानी, बहुत पुरानी। अभी जो ये अपना काल चल रहा है, जो टाइम चल रहा है ना, इस काल को कहते हैं अवसर्पणी काल, गिरावट का काल है, गिरते हुए काल है। इस काल में हर चीज में कमी आती जा रही है, हर चीज की क्वालिटी में कमी आ रही है। तो जब ऋषभदेव हुए थे, उसके बाद में जब अजितनाथ स्वामी हुए दूसरे तीर्थंकर, तो ऋषभदेव की हाइट तो कितनी थी? 500 धनुष, 1/4 किलोमीटर। अजितनाथ स्वामी की हाइट थी 450 धनुष, वो 500 धनुष थी ऋषभदेव की, अजितनाथ की 450 धनुष रह गई, कम हो गई ना। अजितनाथ स्वामी के बाद में जब संभवनाथ स्वामी हुए तो और कम हो गई, फिर अभिनंदन स्वामी हुए तो और कम हो गई। ऐसे धीरे 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 करके जब हम महावीर भगवान तक आए, तो महावीर भगवान की हाइट 1/2 धनुष की रह गई, सिर्फ 2 धनुष से भी कुछ कम। उनकी 500 धनुष पहले तीर्थंकर की, और महावीर भगवान की कितनी थी? 1/2 धनुष, 7 हाथ। 7 हाथ कहते हैं शास्त्रों में, आपको मिलेगा महावीर भगवान की हाइट 7 हाथ की। अभी कुछ मत लजना महावीर स्वामी की कितनी थी, क्या थी, अभी आपको याद क्या रखना है, ऋषभदेव की 500 धनुष की थी। 500 धनुष का मतलब क्या बतलाया, सब बोल सकते हैं क्या? 1/4 किलोमीटर। और उम्र कितनी थी? 84 लाख पूर्व, 84 लाख पूर्व, ठीक है ना। और एक पूर्व कितना बड़ा होता है? 70,56,000 करोड़, इतने वर्ष का होता है एक पूर्व। अभी देखिए आप आदिनाथ भगवान की एज तो बतलाई, 70,56,000 करोड़ वर्ष, 84 लाख बार, इतनी एज थी। महावीर भगवान की एज कितनी थी? 72, ओनली 72 ईयर, सिर्फ 72 वर्ष।
ठीक है ना। पिताजी साहब आपसे भी छोटे थे, उससे पहले चले गए थे वो। सबकी बराबर होती है, शरीर की बात कर रहे हैं भाई, शरीर की बात है ना। आत्मा तो कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं है, सभी आत्माएं बराबर है, अनादि से अनंत काल तक है। लेकिन फिर भी 72 वर्ष की आयु है, तो आप क्या समझ पा रहे हैं, पहले एज बहुत ज्यादा होती थी, फिर धीरे धीरे करके एज कम होती जा रही है। पहले हाइट बहुत ज्यादा होती थी ऋषभ देव के समय में, उस समय से लेकर के धीरे 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 करके ये कमी आती जा रही है, ठीक है ना। हाइट कम हो रही है, एज कम हो रही है, बुद्धि कमजोर हो रही है, अपनी जो पावर है शारीरिक शक्ति ये सब कमजोर होती जा रही है। आप देखिए पहले के समय में लोगों की याददाश्त कितनी अधिक होती थी और आज याददाश्त की क्या पोजीशन है। पहले के लोगों की खुराक कितनी होती थी, खाना खाते थे तो, और आज खुराक कितनी है। पहले के लोग असली घी खाते थे, आज नकली भी नहीं पचता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम कितना, शरीर की क्या स्थिति है। पहले के लोग कितने कितने किलोमीटर पैदल चल लिया करते थे, हमने सुनी है वो स्थिति, हमारे ताऊ जी वगैरह बतलाया करते थे, बड़ी एज वाले लोग यहाँ से आमेर पैदल जाते थे, और बाबू जी के घटना जो बतलाते हैं, माने आमेर तो कितना 5-7 किलोमीटर तो पैदल चलना मामूली बात होता था, है हाँ, उसमें क्या हो गया। हाँ हाँ, तो मेरा कहने का इतना पैदल, और आज बच्चों से कहो इतना पैदल चलना है, चल सकते हैं क्या, वो ताकत ही नहीं बची है। पहले के शरीर में जो ताकत होती थी, कितना वजन उठा सकते थे, और आज तो कमर में लचक आ जाए, आज की क्या पोजीशन है। कुल मिलाकर के बात यह है कि धीरे धीरे करके ये गिरावट का काल है, और इसी अपेक्षा से हमें ऋषभ देव की आयु और हाइट भी जान लेनी चाहिए। चलिए और आगे बढ़े अपन। 20 लाख पूर्व की जब आयु थी ऋषभ देव की, माने 84 में से टोटल एज कितनी थी, 84 लाख पूर्व, उसमें से जब 20 लाख पूर्व की जब एज हुई उनकी, उस समय वे राजा बन गए। 20 लाख पूर्व की एज में राजा बन गए, फिर 63 लाख पूर्व तक उन्होंने राज्य किया। 63 लाख पूर्व, इतने टाइम, 83 लाख पूर्व की जब एज हो गई तब तक वे राज्य अवस्था में रहे, टोटल थी 84, 83 बीत गई, राज्य अवस्था में थे, राजा थे, राजपाट चलता था, 6 प्रकार की विद्याएं कलाएं उन्होंने जगत के जीवों को सिखाई। इंद्र भी सोचने लगे हैं, यार ये तीर्थंकर बनने वाले हैं, कब तीर्थंकर बनेंगे, कब दीक्षा लेंगे, 84 में से 83 तो निकल गए, अभी भी राजपाट में ही बैठे हुए हैं। इंद्र ने प्लानिंग करके विचार करके एक देवांगना को, एक नृत्यांगना को नृत्य करने के लिए, जिसका नाम था नीलांजना, नीलांजना को वहां भेजा। वहां बर्थडे पार्टी चल रही थी ऋषभ देव की, बर्थडे का फंक्शन चल रहा था, चैत्र कृष्ण नवमी का दिन था जब उनका जन्म हुआ था, और उसी दिन फंक्शन हो रहा था, सभा लगी हुई थी, लोग बैठे हुए थे, दरबार लगा हुआ था, और स्वर्ग की वो देवांगना नृत्य कर रही थी जिसका नाम क्या था, नीलांजना। नीलांजना नृत्य कर रही थी, और नृत्य करते करते, क्योंकि प्लानिंग थी 10 मिनट में मौत होनी थी, नीलांजना की मृत्यु हो गई। नीलांजना मर गई, ये मत कहना नीलांजना का स्वर्गवास हो गया, क्योंकि देव देवियां मर करके वापस स्वर्ग में नहीं जाती। स्वर्गवास तो तब कहेंगे ना, मर करके स्वर्ग में जाना हो, क्या वो आयु पूरी हो गई, मरण हो गया, जीवन पूरा हो गया, मर गई, ठीक है ना। नीलांजना की मृत्यु हो गई, जैसे ही मृत्यु हुई उसी समय सौधर्म इंद्र ने दूसरी देवांगना वहां पेश कर दी, तुरंत पता नहीं लगे, जैसे किसी को भी जनरल ऑडियंस यदि बैठी हुई हो तो उनको पता ही नहीं लगे कि क्या हुआ। ये क्या होता है, अपने यहां मनुष्यों में जब डेथ होती है तो हमारा जो शरीर होता है वो पड़ा रहता है। कोई व्यक्ति मर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो शरीर पड़ा रहेगा। अब शरीर पड़ा रहता है तो लोगों को पता लग जाता है कि ये मर गया। अब देवों में क्या होता है,
कि जब डेथ होती है तो शरीर उड़ जाता है, कपूर की तरह शरीर गायब हो जाता है, एकदम इनविजिबल हो जाते, खत्म, मर गए, शरीर खत्म हो गया, जैसे बादल विघटन होता है, बादल बिखर जाते हैं, पता ही नहीं लगता है क्या हुआ, अभी तो यहीं थे, अब कुछ भी नहीं, आगे भी नहीं गए, खत्म हो गए सब, कपूर होता है जैसे, उड़ जाता है, खत्म हो जाता है ऐसे, हवा की तरह है। तो ऐसे ही जो नीलांजना जो थी, उस नीलांजना की जब मृत्यु हुई तो वो नीलांजना तो खत्म हो गई, और बीच में डिस्टर्ब नहीं हो उनके प्रोग्राम में, इतनी ऑडियंस बैठी हुई है, इतने लोग बैठे हैं, राज सिंहासन के ऊपर ऋषभ देव बैठे हुए हैं, और इंद्र ने दूसरी देवांगना को वहां उपस्थित कर दिया, और तुरंत विद इन सेकेंड, सेकेंड तो बहुत बड़ा है, सेकेंड से भी कम टाइम में किसी को कुछ पता नहीं लगा, जगत के लोगों को, सामने बैठे हुए लोगों को, लेकिन बस इस घटना को देखा और ऋषभ देव को वैराग्य हो गया। नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग्य हुआ, नीलांजना का नृत्य देखकर तो नहीं हुआ, तो नीलांजना की मृत्यु देखकर वैराग्य हुआ। मैं कहता हूं नहीं, ध्यान देना थोड़ा सा, सारे जगत में पूछना, जैन समाज में लोगों से, थोड़े बहुत पढ़ने लिखने वाले लोगों से, समझदार लोगों से, ऋषभ देव का नृत्य वैराग्य कैसे हुआ था, तो क्या कहेंगे, नीलांजना की मृत्यु देखकर वैराग्य हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, नीलांजना की मृत्यु देखकर यदि वैराग्य हुआ था, तो नीलांजना जैसे उन्होंने 83 लाख पूर्व की आयु तक जगत में लोगों को मरते हुए नहीं देखा था क्या, बहुत लोगों को मरते हुए देखा था, तो वैराग्य क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, वैराग्य नीलांजना की मृत्यु देखकर नहीं, तुरंत जो दूसरी देवी प्रकट कर दी गई, एक की तो मौत और दूसरी को खड़ा कर दिया, बिल्कुल दया नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, एक व्यक्ति के चले जाने पर थोड़ा बहुत भी दिल नहीं दहलता है, यह संसार की क्षण भंगुरता, स्वार्थी वृत्ति, इसे देखकर उन्हें वैराग्य हुआ। घटना तो वही घटी, नीलांजना की मृत्यु हुई, लेकिन मौत हो जाना इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अरे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो 2 मिनट का मौन धारण किया जा सकता था उसकी आत्मा की शांति के लिए, कार्यक्रम को रोका जा सकता था, हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम के बीच में यदि किसी की डेथ हो गई और नाच करते हुए मंच पर, स्टेज पर, तो 2 मिनट के लिए भी कार्यक्रम को रोकने की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये कितने स्वार्थी है जगत, तुरंत दूसरी नृत्यांगना पेश कर दी, ये स्वार्थ वृत्ति को देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। नीलांजना की मृत्यु और जगत के जीवों की स्वार्थ वृत्ति, बोलो, ये सब संसार की दशा उन्होंने देखी। देखो मैं यहां पढ़ता हूं, पेज नंबर 21 पर देखो, नीचे 21 नीचे देखना, लास्ट पैराग्राफ, एक दिन मिल गया, एक दिन राजा ऋषभदेव अपनी सभा में बैठे नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। नृत्य के बीच में ही नीलांजना की मृत्यु हो गई, यह देख उन्हें संसार की क्षण भंगुरता का ध्यान आया और राजपाट आदि सभी का राग छोड़कर दिगंबर हो गए, मुनि हो गए, दीक्षा ले ली उन्होंने, राजा थे और राजपाट, राजपाट सब छोड़ दिया। हम छोड़ सकते हैं कोई चीज हमारे पास में हो तो, एक गेम नहीं छूटता, कपड़े नहीं छूटते, हमारे घरों की हालत कैसी है, घरों में जगह नहीं है रखने के लिए, कितने भी बड़े से बड़े मकान हो, लेकिन मैंने लोगों को ये कहते सुना है, कितना भी वो छोटा पड़ जाता है, ये क्यों छोटा पड़ जाता है, ये आपके घर के अटाले निकलते नहीं है, खरीदना तो बंद होता नहीं है, किसी भी वस्तु का आना तो बंद होता नहीं है, और निकलता है नहीं तो घर की साइज तो बढ़ेगी नहीं, फिर क्या होगा, हमसे कुछ नहीं छूटता। और उन्होंने क्या किया, राजपाट आदि सब छोड़ दिया, ये नीलांजना का नृत्य, उसकी मृत्यु, जगत के जीवों की ये स्थिति, ये शरीर की क्षणभंगुरता, क्षणभंगुरता मतलब फटाफट नष्ट हो सकता है, ये देखकर वे दिगंबर हो गए, वे मुनि हो गए, वे साधु बन गए। 6 माह तक तो, देखो आगे क्या लिखा, 6 माह तक तो आत्म ध्यान में लीन रहे, उसके बाद 6 माह तक आहार की विधि नहीं मिली,
छह महीने तक तो उठे ही नहीं। ऋषभ देव के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, क्या 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली थी, बहुत बड़े सम्राट थे वो। राजपाट उन्होंने अपने बच्चों में दे दिया, बांट दिया और खुद दीक्षा लेकर के चले गए, मुनि बन गए। जिस समय ऋषभ देव ने दीक्षा ली, जिस समय मुनि बने, दीक्षा लेते ही उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली थी जीवन भर के लिए मौन। सभी तीर्थंकर जीवन भर के लिए मौन की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। अब जीवन भर बोलेंगे ही नहीं, बोलना ही नहीं है हमारे को, कि क्यों क्यों नहीं बोलेंगे, किससे बोलें और क्या बोलें, जगत से क्या लेना देना है। मौन, मौन साधना, साधना में मौन का बहुत बड़ा महत्व है। मौन रह करके जो साधना हो सकती है वो बोलते हुए नहीं हो सकती। मौन हो गए, ध्यान अवस्था में लीन हो गए, हाथ पे हाथ धर करके बैठ गए। जिन्होंने दीक्षा ली थी वो सब भ्रष्ट हो गए, साथ में ली थी ना, अब ये तो कुछ बोलते नहीं है। उन लोगों को तो पता नहीं था, देखा देखी ले ली थी उन्होंने, फिर क्या हुआ, 4000 जिन लोगों ने दीक्षा ली थी अब ये उठ ही नहीं रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, और हमें भूख लग रही है और खाना खाना है, क्या करें। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, धीरे धीरे करके सब भ्रष्ट हो गए। इधर उधर की चीजें, कभी सर्दी लगने लगी तो पेड़ों के पत्ते तोड़ लिए, उनको ओढ़ने लग गए, कुछ करने लग गए, वहां जो कुछ भी मिला फल फूल खाने लग गए जंगल में। इधर उधर से भूख लगती थी तो हालत बिगड़ गई सबकी। इंद्र वहां आ गए सामने, और इंद्र ने आकर के सबको डांटा कि देखो भाई, दिगंबर वेश अंगीकार करके मुनि बन के ये काम तुम्हारे द्वारा शोभा नहीं देता है, कपड़े पहन लो दोबारा यदि तुम्हें भूख लगती हो तो, जो कुछ भी करना है तुम्हारे को। और सबके सब दोबारा सब लोगों ने कपड़े पहन लिए और सब भ्रष्ट हो गए, ये उठे ही नहीं। छह महीने तक तो उठे नहीं महाराज, छह महीने बाद में महाराज जी तो थे, मुनिराज थे ना, क्या महाराजा पहले भी थे, पहले महाराज ऋषभदेव थे और फिर मुनिराज, पहले राजा थे, अब महाराज हो गए। तो देखो छह महीने तक उठे नहीं, फिर उसके बाद में दीक्षा के लिए उठे, रोजाना जाते थे। सबसे पहले मुनि बने थे इस युग में ऋषभदेव, ऋषभदेव स्वामी के पहले कोई मुनि नहीं बना था। अब जो सबसे पहले मुनि बने हो उनको आहार कौन देगा, आहार दान की विधि नहीं जानता कोई भी, रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर विचरण कर रहे हैं, वापस लौट करके आ रहे हैं, फिर दूसरे दिन फिर गए आहार के लिए, फिर आहार की विधि नहीं मिली, कोई जानता ही नहीं था आहार कैसे दिया जाता है। मुनिराजों को आहार दान की क्या विधि होती है ये कोई जानता ही नहीं था, और मुनिराज अपने मुंह से बताते नहीं है किसी को, मुनिराज बोलते नहीं है। एक आध क्लास ही ले लेते जगत के जीवों को बताने के लिए, कोई क्लास तो लगाते भाई, किसी को पता नहीं है तो क्लास लगा करके एक बार नगर में बतला दिया, बस वन टाइम, कुछ नहीं किया उन्होंने। और पता है कितने दिन तक घूमते रहे, रोजाना 7 महीने और 9 दिन, कितने समय, 7 महीने और 9 दिन तक वे रोजाना 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 आहारचर्या के लिए विहार करते रहे इधर से उधर, लेकिन आहार की विधि नहीं मिलती थी, लौट करके आ जाते थे। 6 महीने तो उठे नहीं थे और 7 महीने 9 दिन और हो गए, तो 13 महीने 9 दिन हो गए। इसको कहते हैं लगभग एक वर्ष, लगभग क्या कहेंगे हम, एक साल, एक साल तक आहार की विधि नहीं मिली उनको। आपको पता है जब तीर्थंकर बनने वाले जीव दीक्षा लेते हैं तो मौन तो हो ही जाते हैं, साथ में उनको मनह पर्यय ज्ञान भी हो जाता है। ऐसा नियम है, जन्म से 3 ज्ञान थे उनको, हम लोगों के 2 ज्ञान हैं, ज्ञान की चर्चा कभी विस्तार से करेंगे तब समझ में आएगी। 5 तरह के ज्ञान होते हैं, उनमें से हमारे 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। ऋषभदेव के जन्म से 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, जन्म से 3 ज्ञान थे उनके। और दीक्षा लेते ही 4था ज्ञान हो गया जिसका नाम था मनह पर्यय ज्ञान, 4 ज्ञान हो गए जैसे दीक्षा ली। अवधि ज्ञान और मनह पर्यय ज्ञान भैया ऐसे ज्ञान होते हैं जो चमत्कारिक होते हैं, रिद्धि होती है, रिद्धि मतलब चमत्कार, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी बातें वो जान सकते हैं, क्या होगा कब होगा, किसी दूसरे के मन की बात जान लेंगे, फ्यूचर देख लेंगे, सच्ची बातें उनको भविष्य के संदर्भ में पता लग जाए, ऐसा अवधि ज्ञान होता है।
ये रिद्धि होती है उनके पास में। मुनि बन गए थे तब ये रिद्धि थी, ये चमत्कारिक शक्ति उनके पास में मौजूद थी। लेकिन एक बात की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वे यदि क्षण मात्र के लिए भी वहां बैठकर इस बात का विचार करते, 6 महीने तक विधि नहीं मिली थी, 2-4 दिन नगर में चक्कर लगा करके आए, कोई व्यक्ति उनको रत्न देता था, नगर दिगंबर थे ना, कोई व्यक्ति कुछ देता था, कोई पता नहीं क्या क्या देने की कोशिश करता था, रत्न हीरे माणिक मोती जवाहरात, ये थोड़ी ना चाहिए था उनको, राजा थे सब छोड़ करके निकले थे, उनको ये सब नहीं चाहिए था। 2-4 दिन बाद में ऐसा तो कर सकते थे, यार मैं रोज जाता हूँ विधि मिलती नहीं है, रोज जाता हूँ विधि मिलती नहीं है, कब मिलेगी कब मिलेगी। एक दिन यदि वे अपने दिमाग में अपनी रिद्धि का प्रयोग करके इतना सा पता कर लेते कि अच्छा कब वैशाख शुक्ल तृतीया, अच्छा उनके यहाँ, उसी दिन उठेंगे और सीधा वहीं जाएंगे, ऐसा रिद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन ऋषभदेव स्वामी ने अपनी रिद्धि का प्रयोग नहीं किया, अवधि ज्ञान और मने पर्य ज्ञान मौजूद था, लेकिन अवधि ज्ञान और मने पर्य ज्ञान मौजूद होते हुए भी उनका प्रयोग नहीं किया उन्होंने। किस लिए नहीं किया? क्या भोजन के लिए प्रयोग करें, आहार मिलना होगा तो मिलेगा और नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। फिर पता है क्या हुआ, उन ऋषभदेव का आहार मिला होगा कि नहीं मिला होगा? आहार तो मिला, अभी मैंने कहा ना 7 महीने और 9 दिन बाद, कहाँ मिला कौन से दिन मिला, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर 1 वर्ष बाद, लगभग लगभग लगा लेना 13 महीने और कितने दिन गए, 13 महीने और 9 दिन, लगभग 1 वर्ष बाद अक्षय तृतीया के दिन ऋषभ मुनि का, ऋषभदेव भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान आहार नहीं करते, किसका आहार हुआ था, ऋषभ मुनि का सर्वप्रथम आहार राजा श्रेयांश के यहाँ इक्षु रस माने गन्ने के रस का हुआ। उसी दिन से अक्षय तृतीया पर्व चल पड़ा। कुछ बातें समझ में आ रही है यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत मार्मिक बातें याद होनी चाहिए। कौन सा दिन था? वो दिन था वैशाख शुक्ल तृतीया। क्या? वैशाख शुक्ल तृतीया का दिन, जिस दिन ऋषभदेव को आहार हुआ, सबसे पहला आहार, दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, लगभग 18 कूड़ा कूड़ी सागर पहले किसी को आहार दान मिला होगा भरत क्षेत्र में, भू भूमि का काल था, उसके पहले तीसरा काल था, उसके पहले दूसरा काल था, उसके पहले पहला काल था, फिर उसके पहले 3 काल थे, 6 काल बीत गया, 18 कूड़ा कूड़ी सागर बाद में किसी व्यक्ति का आहार हुआ, दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, सर्वप्रथम आहार दानदाता कौन, कौन से राजा, राजा श्रेयांश, नाम याद रखना, राजा श्रेयांश सबसे प्रथम आहार दान जिन्होंने दिया, किस चीज का आहार दिया था, गन्ने के रस का, इक्षु माने गन्ना, इक्षु रस का, गन्ने के रस का आहार जिस दिन दिया था, वो दिन किस रूप में प्रसिद्ध हुआ, अक्षय तृतीया, आखा तीज कहते हैं लोग, अक्षय तृतीया पर्व हो गया, पर्व के रूप में मनाया जाता है, ये जैन पर्व है, हमें पता होना चाहिए हमारे जैन पर्वों के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं जैन पर्वों के बारे में, अक्षय तृतीया जैन पर्व है, श्रुत पंचमी जैन पर्व है, वीर शासन जयंती ये जैन पर्व है, बोलो, महावीर निर्वाण दिवस, महावीर जयंती, ऋषभदेव जयंती, 10 लक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व, ये सब हमारे जैन पर्व हैं, इन जैन पर्वों की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए हमारे को, कौन सा दिन कब आता है, तो अक्षय तृतीया पर्व क्यों मनाया जाता है, बोलो बोलो यश, अक्षय तृतीया पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था उस दिन, ऋषभदेव को सर्वप्रथम आहार मिला था, इसलिए अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी सी बातें परीक्षा की दृष्टि से, है ना, अक्षय तृतीया पर्व क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन ऋषभदेव का प्रथम आहार हुआ था, किस चीज का आहार लिया था उन्होंने, अनार के रस का, नहीं गन्ने के रस का, अच्छा गन्ने के रस का, ठीक है, गन्ने के रस का आहार लिया था उन्होंने। चलो और क्या लिया था आहार में, बस और कुछ नहीं, पानी लिया होगा,
पानी इसलिए लिया होगा क्योंकि वो जो गन्ने का रस कैसे लेते हैं, अपने मनेराज जो लेते हैं ना आहार, वो हाथ में ही लेते हैं, थाली में नहीं खाते मनेराज, खड़े खड़े लेते हैं, हाथ में लेते हैं। और हाथ में जब लेते हैं तो जो गन्ने के रस का आहार लिया वह अंत में बस पानी से हाथ धोए और कुल्ला किया, इतना काम हुआ बस, ठीक है ना। तो गन्ने के रस का उनको आहार हुआ था, इतनी बात आप याद रखें। किसके यहाँ हुआ था, उस राजा का नाम भी याद आपको होना चाहिए, राजा श्रेयांश, ठीक है ना, वो भी मोक्षगामी थे। देखिए आप फिर आगे बढ़े, खत्म करें अपन इस पाठ को। बातें तो मुझे इतनी बतलानी है इस पाठ के बारे में जिसकी हद नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ पूरा करके दूसरे भाग की तरफ चलें। जीवन भर बतलाते रहेंगे, है ना, धीरे धीरे सुनते रहना। क्या वे मुनि होते ही सर्वज्ञ बन गए थे, बोलो। ऋषभ देव ने दीक्षा ली, अब ये कौन सा दिन था जिस दिन दीक्षा ली थी, मुनि कब हुए थे, निरंजना का नृत्य देखते देखते वैराग्य हो गया था ना इनको, इन्होंने दीक्षा ले ली थी जब उनका जन्मदिन था, माने वही चैत्र कृष्ण नवमी दिना तप ध्यारा तप धारा वन जाए, मन जाकर के उन्होंने तप धारण किया, पंचमुष्टी केश लोच किया, ये सब घटनाएं उनके जीवन में घटी। खैर कोई बात नहीं, उसके एक वर्ष बाद में लगभग उनको आहार दान मिला, फिर उसके बाद में भी हुआ होगा जब भी, कहते हैं देखो तत्काल सर्वज्ञ बन गए थे क्या, नहीं नहीं बेटी, 1000 वर्ष तक बराबर मौन आत्म साधना करते रहे। एक दिन आत्म तल्लीनता की दशा में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे वीतरागी सर्वज्ञ बन गए, भगवान बन गए, तथा उनकी दिव्य ध्वनि द्वारा, कहां पे बैठ करके हुई होगी दिव्य ध्वनि, समय चरण में बैठकर। देखो बच्चे बहुत होशियार हुए हैं, बड़े कितने होशियार हुए मुझे नहीं मालूम, क्या बन गए वे आत्मकलीनता की दशा में, क्या बन गए थे, वीतरागी सर्वज्ञ। इनको दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं, भगवान, और दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान से भी विशेष अरहंत, और विशेष शब्द दे तो तीर्थंकर, अरहंत कहें तीर्थंकर कहें भगवान कहें सब सब एक ही बात है ना, माने वे तीर्थंकर बन गए थे, समोह चरण की रचना हो गई। फिर क्या हुआ, दिव्य ध्वनि गिरने लगी, दिव्य ध्वनि मतलब होता है उपदेश, सर्वांग से उनकी वाणी निकलती है, होंठ भी नहीं हिलते हैं, और जगत के जीवों को अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी लैंग्वेज में सब कुछ सुनाई देने लगता है। दिव्य ध्वनि द्वारा तत्वोपदेश होने लगा जिससे भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान हुआ। सबसे पहले मुक्ति का मार्ग यदि किसी ने बतलाया तो ऋषभ देव, केवल ज्ञान उनको हुआ था सबसे पहले, समाचरण उनका लगा था, उनका उपदेश सुना। अब सुनो देखो गजब की बात, ऋषभ देव स्वामी के उपदेश को सुनकर, जब ये अरहंत बन गए तीर्थंकर बन गए, तो इनके उपदेश को सुनकर बहुत सारे लोग मुनि बन गए, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जो मुनि बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, और बहुत से ऐसे भी हुए जो ऋषभ देव से पहले ही मोक्ष चले गए। ये इनका तो उपदेश ही हो रहा है। आपको पता है ऋषभ देव से पहले मोक्ष जाने वालों में बाहुबली का भी नाम है, बाहुबली भी पहले चले गए थे मोक्ष, ऋषभ देव से भी पहले मोक्ष चले गए थे, हाँ जी, उनके बेटे थे ना, ये उनसे पहले दीक्षा ली, दीक्षा तो खैर बाद में ली थी, लेकिन दीक्षा वगैरह लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके उनसे पहले मोक्ष चले गए। सबसे पहले मोक्ष जाने वालों में मैंने एक नाम बतलाया आपको, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य सबसे पहले मोक्ष गए, फिर और बहुत सारे जीव मोक्ष गए, फिर बाहुबली भी मोक्ष चले गए, और उसके भी वर्षों बाद में ऋषभ देव ने मुक्ति की प्राप्ति की। जितनी उम्र थी उतनी भोगनी पड़ेगी, कितने लंबे समय तक, समझ लो आप, वापस सुनना देखो, 84 लाख पूर्व की आयु थी उनकी, दीक्षा ली थी उन्होंने 83 लाख पूर्व की आयु में, ठीक है, 1000 वर्ष तक उन्होंने किया तपश्चरण, फिर केवल ज्ञान हुआ, तो 1000 वर्ष को माइनस कर दो 1 लाख पूर्व में से, इतने लंबे समय तक ऋषभ देव का उपदेश होता रहा, समोह चरण सहित विहार होता रहा, और फिर क्या हुआ, जगत के जीवों का वे मुक्ति का मार्ग बतलाते रहे। देखो फटाफट, और तो क्या तुम उनकी स्तुति करती हो, मैं भी किया करूंगी, क्या वे मुझे भी मुक्ति का मार्ग बताएंगे, अवश्य किया करना।
वे तो कुछ दिन बाद मुक्त हो गए थे, अर्थात धर्म सभा मतलब समव शरण आदि को भी छोड़कर सिद्ध हो गए, पर उनका बताया हुआ मुक्ति मार्ग तो आज तक भी ज्ञानियों के द्वारा हमें प्राप्त है, और जो उनके बताए मुक्ति मार्ग पर चलें वे ही उनके सच्चे भक्त हैं तथा वे स्वयं भगवान भी बन सकते हैं। आदिनाथ भगवान ने जो मुक्ति का मार्ग बतलाया था, जो जगत के जीवों को उपदेश दिया था, जो वेद विज्ञान की चर्चा की थी, जो शरीर और आत्मा की पृथकता की बात बतलाई थी, जो आत्मा की महिमा बतलाई थी, जो वस्तु स्वरूप बतलाया था, वो आज भी हमारे पास में उपलब्ध है। और यदि हम उन बातों को समझते हैं और उनके बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम भी भगवान बन सकते हैं। हम सभी आदिनाथ भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलें, इसी भावना से बात को विराम देता हूं। पीछे है ना एक पार्ट।